संविधान संशोधन हमारा जो संविधान है उसमें संशोधन की प्रक्रिया के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 जो संविधान का भाग 20 है उसके अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में दिया गया कि संविधान संशोधन का क्या कैसे क्या प्रक्रिया होगी। तो भाई दरअसल हमारे संविधान संशोधन अगर देखा जाए तो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो संसद में साधारण बहुमत द्वारा किए जा सकते हैं, दूसरा संसद के विशेष बहुमत द्वारा पारित होते हैं संशोधन होते हैं, और तीसरे में संसद प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति सामान्य बहुमत से पास होना चाहिए वो बिल, तब वो जाकर के संशोधन संविधान में होगा। तो इसी प्रक्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो साधारण बहुमत द्वारा जो संशोधन होते हैं वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते, वो प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आती, वो साधारण बहुमत द्वारा पास हो जाती है। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे भाग जो संविधान का भाग 20 है उसके अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन क्या है कि संसद, अनुच्छेद 368 में दे रखा है कि संसद जो है वो संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि भाई संविधान संशोधन करने का अधिकार संसद को है, लेकिन उसका जो मूल ढांचा जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि मूल ढांचे वो चेंज नहीं कर सकती, मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। जैसे मूल ढांचे में हमारे मौलिक अधिकार आ गए, हमारी उसकी जो संविधान की प्रकृति है वो धर्मनिरपेक्ष प्रकृति है, तो उस धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को चेंज नहीं कर सकते, वो बेसिक स्ट्रक्चर में। इसी तरह बहुत सारे कंसेप्ट उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर में बहुत सारी कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी केशवानंद भारती ने, उन्हें छोड़ के बाकी संशोधन कर सकती है क्या सरकार। संसद के किसी भी सदन में सबसे जो हमारा संविधान संशोधन विधेयक होता है वो संसद के किसी सदन में आरंभ किया जा सकता है, लेकिन राज्य के विधानमंडल में नहीं। संविधान संशोधन का अधिकार केवल संसद को है, राज्य के विधानमंडल को संविधान संशोधन का अधिकार नहीं है। तो ये एकात्मकता का लक्षण है भाई, संघात्मक व्यवस्था हमारी है लेकिन संशोधन का अधिकार केवल संसद को है। तो संसद को है, राज्य विधानमंडल को इसका अधिकार नहीं है। तो संसद के किसी भी सदन में यानी राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन में इसको पेश किया जा सकता है। दूसरा क्या, किसी सरकारी या गैर सरकारी सदस्य द्वारा इसे पेश किया जा सकता है। सरकारी का मतलब जो सरकार में शामिल है यानी मंत्री है, जो मंत्री है सरकार में उसे हम बोलते हैं सरकारी सदस्य, और जो मंत्री नहीं है वो गैर सरकारी सदस्य, जो केवल लोकसभा या राज्यसभा सदस्य है तो वो गैर सरकारी सदस्य माना जाए। और इसकी पेश करने के लिए किसी भी सदन में चाहे लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता, और इसमें राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद क्या, दोनों सदनों में विशेष बहुमत से, दोनों सदनों में इसके यानी जितने सदस्य, विशेष बहुमत क्या होता है, जितने सदस्य उपस्थित हैं उस दिन जिस दिन बिल पेश किया गया, जितने सदस्य उपस्थित है उसका 2/3 बहुमत उसके पक्ष में अनिवार्य रूप से होना चाहिए बिल के पक्ष में, तो वो सदन में पास माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर किसी भी सदन में यानी लोकसभा में या उसके पक्ष में बहुमत नहीं बन रहा है या राज्यसभा में उसके पक्ष में बहुमत नहीं बन रहा है तो इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संविधान संशोधन जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत होगा उसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है कि दोनों सदस्यों को मिलाकर के, क्या होता है कि दोनों सदनों में बहुमत नहीं बन रहा तो दोनों की संयुक्त बैठक बुला करके टोटल का बहुमत अगर 2/3 हो जाता तो वो बिल पास मान लिया जाता, लेकिन संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से पास कराना बिल को अनिवार्य है। उसके बाद संघीय ढांचे संशोधन करने के लिए, संघीय ढांचे में क्या है,
संघीय ढांचे में बहुत सारी, जैसे हमारा जो सातवीं अनुसूची है उसमें क्या नाम शक्तियों का बंटवारा दे रखा है कि भाई संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची में हमारे 100 विषय दे रखे हैं इस समय, और राज्य सूची में 61 विषय दे रखे हैं। और क्या नाम जो अगर इस तरह से जिसमें राज्यों का इन्वॉल्वमेंट है अगर उसमें संशोधन करना पड़ रहा है, राज्यों का इन्वॉल्वमेंट जैसे राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया है उसमें राज्य इन्वॉल्व है तो उसमें संशोधन करेंगे तो आधे या आधे से अधिक राज्यों के जो विधानमंडल से हमें जो राज्यों का विधानमंडल है उसमें से सामान्य बहुमत से उस बिल को पास कराना पड़ेगा तभी उसको संविधान संशोधन माना जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति को सहमति के लिए भेजा जाएगा और राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देगा, उसके बाद वो अधिनियम बन जाएगा, संशोधन हो गया संविधान में। लेकिन राष्ट्रपति को अधिकार इस पे ना तो उसे रोक सकता है ना ही उसे पुनर्विचार के लिए संसद को वापस कर सकता है। राष्ट्रपति उसको सहमति देनी ही देनी है, केवल मतलब फॉर्मेलिटी है, राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देनी ही देनी है, ना तो वो वापस कर सकता है पुनर्विचार के लिए ना ही अपने पास रोक सकता है। अब संविधान संशोधन जो होते हैं संसद के साधारण बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा और संसद के साधारण बहुमत प्लस आधे राज्यों की सामान्य बहुमत के द्वारा पास होते हैं। तीन तरह के संशोधन होते हैं, तीन तरह में जो हमारा दूसरा और तीसरा नंबर यानी संसद के विशेष बहुमत द्वारा और संसद के विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सामान्य बहुमत द्वारा जो होता है वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो संसद के साधारण बहुमत द्वारा होता है वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आता। अभी संविधान जो हमारा क्या नाम उसका किया गया जो 370 अनुच्छेद खत्म किया गया उसमें इन दोनों का कहीं 368 का उसमें कहीं भी उपयोग नहीं हुआ। इसमें क्या आता साधारण बहुमत द्वारा क्या क्या संशोधन संसद कर सकती है, जैसे नए राज्यों का गठन है, कोई दो राज्यों को जोड़ करके नए राज्य का गठन कर रही है तो वो साधारण बहुमत से हो जाएगा, उसे विशेष बहुमत जरूरत नहीं है। राज्यों की सीमा में परिवर्तन, उनके नाम में परिवर्तन कर रहे हैं, राज्यों की सीमा काट पीट रहे, इधर बढ़ा रहे हैं, इधर से उस राज्य को इधर बढ़ा रहे हैं या उसमें से किसी राज्य की सीमा किधर भी घटा बढ़ा रहे हैं तो वो कर सकते हैं। दूसरी अनुसूची और पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची, दूसरी अनुसूची पांचवी छठी जो अनुसूची क्षेत्र से संबंधित है, पांचवी छठी जो हमारे जो उत्तर पूर्व क्षेत्र है उसमें भी संशोधन सामान्य बहुमत से कर सकता है। उसके बाद संसद के जो संसद सदस्यों के जो वेतन भत्ते हैं और संसद की जो गणपूर्ति है वो, नागरिकता है वो, ये सब और केंद्र शासित प्रदेश है जो, इनमें अगर कुछ संशोधन करना है इस संबंध में तो साधारण बहुमत से किया जा सकता है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत वो संशोधन नहीं आएंगे। उसके बाद संसद के विशेष बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा क्या होता है जैसे मौलिक अधिकार में संशोधन करना है तो उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी नीति निदेशक तत्व में। उसके अलावा जितने भी जो पहले वाले संशोधन प्रक्रिया में और तीसरी वाले संशोधन प्रक्रिया में जो नहीं शामिल है वो सब दूसरे वाले में शामिल होंगे विशेष बहुमत द्वारा। अब तीसरा आता है संसद के विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति यानी आधे राज्यों की जो सामान्य बहुमत से आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा पास होना चाहिए उसमें क्या होगा, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया, राष्ट्रपति को निर्वाचित करने की प्रक्रिया उसमें क्या होता है हमारे विधायक भी वोट डालते हैं और संसद सदस्य भी वोट डालते हैं तो इसमें अगर संशोधन किया जाएगा कुछ भी तो उसमें राज्यों की सहमति, आधे राज्यों की सहमति चाहिए। केंद्र व राज्य कार्यकारिणी शक्तियों का विस्तार, केंद्र व राज्य में राज्य की कार्यकारिणी जो है उनकी शक्तियों का अगर विस्तार किया जाएगा, घटाया बढ़ाया जाएगा तो उसमें भी राज्यों आधे राज्यों की सहमति आवश्यकता होगी। उसके बाद उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय इसकी प्रक्रिया में कुछ संशोधन करना है। केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, जो सातवीं अनुसूची है उसमें संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची, सातवीं अनुसूची संबंधित कोई भी विषय में संशोधन करना है तो हमें आधे राज्यों की सहमति अनिवार्य होगी। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संसद में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है अगर उसे घटाया बढ़ाया जाएगा तो उसमें राज्यों की सहमति अनिवार्य होगी। और अनुच्छेद 368 स्वयं, अनुच्छेद 368 यानी संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में भी अगर अनुच्छेद 368 में भी अगर चेंजिंग करनी है उसमें कोई संशोधन करना है तो उसके लिए भी हमें राज्यों आधे राज्यों की सहमति आवश्यक हो। तो ये है हमारे संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया जिसमें हमारे
तीन तरह के संशोधन होते हैं, जिसमें दो संशोधन जो 368 के अंतर्गत आते हैं। पहला वाला जो साधारण बहुमत से संशोधन हो सकता है, उसे मनुच्छेद 368 के अंतर्गत वो संशोधन नहीं आता।